Anurag Kashyap may have kept away from Bollywood post Bombay Velvet, but he is certainly making cool movies. He recently presented Merathiya Gangsters, and now he has directed the film Madly, which stars Radhika Apte and Satyadeep Misra. The film is an amalgamation of 6 stories by 6 directors from around the world, Anurag being one of them, who tells 6 different stories about love. The directors are from America, Australia, Argentina, Japan, UK and India. These short films, which look at the idea of modern-day love, have been tied together to make one feature film. This is the film from which the nude clip featuring Radhika Apte leaked online and went on to create controversy. Anurag Kashyap's film Clean Shaven, which is part of Madly, stars Radhika and Satyadeep as an unhappy married couple. Radhika's character begins a romantic relationship with her much younger neighbor but continues to stay in an unhappy marriage with her orthodox husband. The promise in Anurag's short film in Madly sounds promising. निर्देशक सुभाष सहगल का कहना है कि फिल्म यारा सीली सीरी के साथ बंगाली अभिनेत्री पावली दाम हिंदी सिनेमा जगत को अपने अभिनय की प्रतिभा दिखाएंगी। सुभाष ने कहा, पावली ने बंगाल फिल्म उद्योग में अपनी अद्भुत क्षमता का प्रदर्शन किया है, जहां वो अपने अभिनय के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इस बार यारा सीली सीली के साथ बॉलीवुड में है। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि हिंदी फिल्म उद्योग इस कलाकार की प्रतिभा देखेगा। फिल्म में पावली यौन कर्मी की भूमिका निभा रही है और परमव्रत चटर्जी के साथ उनकी जोड़ी बनाई गयी है। उन्होंने कई बंगाली फिल्मों में साथ काम किया है। बताया जा रहा है कि फिल्म में दोनों के बीच की केमिस्ट्री को बड़ी खूबसूरती से उतारा गया है। सुभाष ने कहा, मेरी फिल्म में पावली यौन कर्मी की भूमिका निभा रही हैं। उम्मीद है दर्शक कुछ दृश्य पसंद करेंगे, लेकिन आश्वासन देता हूं कि फिल्म में कोई अश्लीलता, नग्नता या अंग प्रदर्शन नहीं है। परमव्रत ने भी आश्चर्यजनक प्रदर्शन किया है। फिल्म यारा सीली सीली को रीना भूषण और नीना सुभाष सहगल के बैनर मूवी ड्रीम्स के तहत पेश किया जा रहा है। फिल्म 6 नवम्बर को प्रदर्शित होगी। बॉलीवुड अभिनेत्री श्रीदेवी की दोनों बेटियां लाइमलाइट में रहने के लिए कुछ न कुछ करती रहती हैं। पहले श्रीदेवी की बड़ी बेटी जाह्नवी सुर्खियों में थी, अब बारी है छोटी बेटी खुशी की। खुशी की हाल ही में बदलाव देखने की तस्वीरें सामने आई थी, जिसमें वो अपने इंस्टाग्राम की सभी तस्वीरों में बेहद खूबसूरत नजर आने लगी है। हाल ही में खुशी पॉप सिंगर जैक गिलिस्की से मिली, जिनकी वो फैन है। खुशी ने जैक के गाल पर किस करते हुए फोटो खींची। खुशी ने जैक के साथ न सिर्फ फोटो खींची बल्कि उस तस्वीर को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर भी किया। खुशी ने तस्वीर को पोस्ट करते हुए लिखा कि ये मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे पलों में से एक है। Porn is apparently banned in this country. Sleazy is definitely not. We were paralyzed after witnessing what the teaser of this movie has to offer. Seriously, these visuals can put even Poonam Pandey to shame. From couples jumping on each other frantically to indulge in dare we say lip locks, are the men kissing the chicks or flossing them, we wondered, to circular seductress showing off their meaty body constitution, this C-grade endeavor will make you throw up. Here's what we suffered and survived. Titled Okay Me Dhoke, this ridiculously vulgar production will hit the screens on December 11th. बीते दिनों एक्ट्रेस राधिका आप्टे की न्यूड तस्वीरें वायरल हो गई थी। ये तस्वीरें मशहूर निर्देशक अनुराग कश्यप की शॉर्ट फिल्म मैडली लव इज मैड की लीक हुई क्लिप्स का हिस्सा थी। अब इस फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हो गया है। दरअसल फिल्म को दुनिया के अलग अलग देशों के 6 दिग्गज डायरेक्टर्स मिलकर बना रहे हैं। ट्रेलर और उसके साथ दी गई जानकारी के हिसाब से तो यही पता चलता है कि फिल्म में इन डायरेक्टर्स ने अपने अपने देश के मॉडर्न लव को अपने अपने तरीके से दिखाने की कोशिश की है। फिल्म में आपको बॉलीवुड एक्ट्रेस राधिका आप्टे के इंटीमेट सीन्स भी देखने को मिलेंगे। ये फिल्म महज 15 मिनट की है, लेकिन ये फिल्म काफी मजेदार है। फिल्म के निर्देशकों में अर्जेंटीना के गेल गार्सिया बर्नाल, ऑस्ट्रेलिया के मिया वासिकोव्स्का, USA के सेबास्टियन सिल्वा, अपने देश के अनुराग कश्यप के अलावा जापान के सियो सोनो और यूनाइटेड किंगडम की नताशा खान हैं।